नमस्कार, एमकेएन के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। जनमुद्दे की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की जनपद पंचायत मेहदवानी क्षेत्र की सड़कें दलदल में तब्दील हो चुकी हैं। यहां सड़कों की हालत इतनी खराब है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए 1 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर कीचड़ और दलदल भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत भलवारा की, जहां वैसे तो सरकार की ओर से यहां बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर स्कूल बनाए गए हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है वो अब अंधेरे में जाता नजर आ रहा है। वहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज तक स्कूल पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पाई। बताया जाता है कि ये रास्ता पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की जमीन का है और दोनों विभाग में सामंजस्य की कमी के चलते सड़क नहीं बन सकी। यहां कीचड़ से सराबोर कच्चे रास्ते में कई गड्ढे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ स्कूली छात्र छात्राओं को करना पड़ता है। कई बार वे जूते चप्पल हाथ में लिए दलदल को पार कर कई मुसीबतों के बाद स्कूल पहुंच पाते हैं। इस दौरान कई बार छात्राओं को चोट भी लग चुकी है, जिसे देखते हुए भलवारा गांव के कुछ समाज सेवियों ने स्कूल तक के रास्ते पर अपने पैसे से मुरम डलवाई, जिससे कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। अब सवाल ये उठता है कि जिले में बैठे अधिकारी नींद से कब जागेंगे? आखिर बच्चों को इसी तरह से दलदल भरे रास्तों को कब तक पार करना होगा, या फिर अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, ये जिस रास्ते से आप आ रहे हो स्कूल, ये रास्ता कैसा है? इसे आप बनवा दीजिए तो अच्छी है। बहुत बेकार। अच्छा, ये रास्ता में कभी क्या आप गिरते हो? कभी कभी हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे रोड को लेकर के? ये रोड को बनवा दे तो ये अच्छी है। कौन सी क्लास में हो? कक्षा 9। कहाँ तक है आपका स्कूल? यहाँ कौन सी क्लास तक? 10वीं। अरे सब बहुत खराब है, बहुत सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं कि बन जाए। अच्छा, तो क्या सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे रोड को लेकर के? हम तो बोल रहे हैं सर बना दे तो बहुत अच्छा है, ग्रामीणों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसमें हम लोग जो स्कूली छात्राओं का आना जाना लगा है, उसमें बच्चों की परेशानियों को देखते हुए हम सभी ग्रामवासियों के सहमति से कुछ लोग ऐसे जो हैं गाड़ी वाले, उनको साथ ले करके और जन सहयोग के आधार पर समस्या को देखते हुए हम लोग मुरम डलवाए। सर इसमें हम लोग कई बार देखते आए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या होती रही बरसात के समय में। कई बार उनका कपड़ा ख़राब हो जाना, ड्रेस ख़राब हो जाना, बस्ता गिर जाना, पुस्तकें ख़राब होना, ये स्थिति को देखते हुए हम लोग सरपंच, उप सरपंच और ग्रामीणों के सहयोग से ये मुरम का डलवाने का काम किए। थोड़ा सा रोड जो है खराब होने के कारण में पहुंच मार्ग नहीं हो पाता, यात्री लोगों को नहीं हो पाता, यहाँ के दर्शक लोगों को नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा समस्या जा रही है। हमने कई आवेदन लगाए हैं, प्रस्ताव लगाए हैं, लेकिन शासन अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत पूर्व में विधायक जी को भी दे चुके थे, सांसद जी को भी दे चुके हैं और हमने जनपद में भी दिए हैं, लेकिन आज तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वजह क्या है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? इसका क्या है, बीच में रोड बोल रहे हैं वो लोग कि ये रोड है पीडब्ल्यूडी का और वो कह रहे हैं वो नहीं दे रहा है ना पीडब्ल्यूडी। आपको बता दें कि मामला हम बता रहे हैं डिंडोरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत की, जहां पर ग्राम पंचायत भलवारा में वैसे तो सरकार की ओर से बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है, करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, बावजूद इसके यहां पर सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। वहीं हमारे साथ संवाददाता मिराज खान जुड़ गए हैं। मिराज, आपको इस खबर की जानकारी कब लगी और जब आप वहां पर पहुंचे क्या कुछ नजारा आपको सामने आया? चूंकि अगर शिक्षा का विकास के लिए यहां पर दावे किए जाते हैं तो इस तरीके की तस्वीर कहीं ना कहीं शिक्षा पर भी पलीता लगाती नजर आती है। जी राजकुमारी जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं गया था पंचायत में तो पंचायत सूत्रों के द्वारा ये बताया गया कि आप एक बार वहां पर जाकर के देखें और बच्चों की समस्याओं को जाकर के देखें। उसको लेकर के जब मैं वहां पर गया तो वहां पर देखा तो एक अद्भुत ही नजारा सामने देखने को मिला, जहां पे इंसान तो क्या जानवर भी पैदल चलते
चलते गिर जाएंगे। इतना दलदल जमीन हो चुका है, इतना कीचड़ भरा रास्ता है वो, जबकि सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए सरकार द्वारा एक से एक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि बच्चों का भविष्य अच्छा से अच्छा हो सके, लेकिन करोड़ों खर्चा करने के बाद भी भवन तो तैयार कर दिया गया, स्कूल तो बना दिया गया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग आज भी अधूरा है, जिससे बच्चे आए दिन वहां गिरते रहते हैं, उनके स्कूल का ड्रेस खराब हो जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, फिर घर वापस आ जाते हैं। जी मिराज, क्या लगता है किसकी गलती नजर आ रही है? किसी उच्चाधिकारी से बात करने की कोशिश की आपने मामले में? जी, इस मामले पे जब बात करनी चाहिए तो जैसा कि पंचायत के सचिव महेश यादव के द्वारा बताया गया कि वो जो जमीन है वो जमीन फॉरेस्ट विभाग में भी आ रहा है और पीडब्ल्यूडी के विभाग में आ रहा है, वो रास्ता दोनों के विभाग में, दोनों के अंदर में आने की वजह से वो रोड का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। जी जी राजकुमारी जी, ये बताइए मिराज कि यहाँ पर इस बीच अगर जनता पिसती हुई नजर आएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम उन बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो इनसे अछूते हैं। क्या लगता है यहाँ पर इस बीच किससे सामंजस्य बिठाने की जरूरत हो जाती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं? यहाँ तक कि आप हमें ये भी बताइए कि यहाँ पे जो बच्चों के अभिभावक हैं, परिवार के सदस्य के लोग हैं, उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है? उनका इस मामले में ये कुछ कहना है राजकुमारी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका ये कहना है कि सरकार के द्वारा स्कूल निर्माण तो करा दिया गया है लेकिन बच्चों को पहुंचने के लिए रास्ता नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, इस तरीके से उनके अभिभावकों परिवारों के द्वारा बतलाया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि समस्या तो है लेकिन समाधान नहीं है। स्कूल तो खुलवा दिए हैं लेकिन रास्ता नहीं है, सड़क तो है लेकिन कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। अब सवाल एक ही उठता है कि यहाँ पर आखिरकार सड़क का निर्माण कब तक कराया जाता है? बेशक एक तो सामने यहाँ पर मामला ये भी नजर आता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर पहले से ही सचिव, जिसका नाम बताया हमारे जब संवाददाता से बात की गई तो हमारे संवाददाता ने कहा कि सचिव महेश यादव हैं जिन्होंने यहां पर ये कहा है कि ये जो जमीन है वो पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की है जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही हमारे साथ ग्रामीण कमल सिंह जुड़ गए हैं। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। कमल जी आप एक ग्रामीण हैं, ग्रामीण के नजरिए से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपके ग्रामीण क्षेत्र में, विस्तार से बताइए। मैडम जी मेरा नाम कमल मकान है, मैं अभी वर्तमान में पंच हूँ, वर्तमान पंच हूँ। मैंने अभी देखा हूँ कि हमारे इधर में अभी हाई स्कूल है, माता जी एक दर्शनीय स्थल है, उसमें आते जाते हैं बहुत सारी गाड़ियां आती जाती रहते हैं, बिल्कुल फंस जाते हैं, विद्यार्थी आते जाते हैं स्कूल में लेकिन उन भी फंस फंस के गिर जाते हैं। ऐसी बहुत ही बड़ी खबर है, बिल्कुल बनने लायक नहीं है, जिसमें तो अभी हम पंचायत के माध्यम से देखा उस समस्या को, सोचे हम कि इधर अगर हमारी तरफ से कोई व्यवस्था अगर हो तो थोड़ा बहुत यहाँ काम कराया जाए, तो अभी पंचायत के माध्यम से हम अभी मुर्रम भी डलवा रहे हैं उधर। जी कमल जी, कितना समय हो गया इस परेशानी से जब पूरा ग्रामीण क्षेत्र जूझ रहा है? मैडम जी मैं तो अभी जब से मैं इधर हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ अभी 20-22 साल से लेकर के, इससे पहले तो और ज्यादा था लेकिन अभी 20-22 साल में कुछ पत्थर डर के पहले से, लेकिन अभी जो है अभी की स्थिति में बहुत ज्यादा जाता है। आवेदन मेरे पर भी कर चुके हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा है हमारा। जी समस्या क्या आ रही है कमल जी इस बीच, क्योंकि चूंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ विद्यालय की व्यवस्था तो है, छात्रों के विकास की बातें तो की जा रही हैं, विद्यालय भी है, लेकिन अगर बीच में सड़क दलदल होगी तो आखिरकार बच्चे जो हैं वो छात्र जो हैं वो विद्यालय तक पहुंचने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर की सड़क इतनी ज्यादा लंबी भी नहीं होती है कि प्रशासन को बनाने के लिए ज्यादा जद्दोजहद यहाँ पर करनी पड़े, बीच में समन्वय की कमी कहाँ नजर आ रही है? चूंकि आप एक ग्रामीण क्षेत्र पर निवास करते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? मैडम जी हम तो हमारी सोचते हैं कि उस जगह में अगर जैसे अगर दिख रहा है वो सभी जगह से कलेक्टर महोदय भी उधर से गुजरता है जी। लेकिन अभी हमको सोच रहे हैं कि अब इस रोड को बनवाना चाहिए, जनप्रतिनिधि भी 2-3 बार आए, देखते हैं, माता जी में अर्पित भी करते हैं, इसके बावजूद भी वो अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जी।
कमल जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ही, जनप्रतिनिधि लोग ही जोड़कर वहां पर मोहरम डालते हैं, जिसके चलते वहां पर जो छात्र हैं उनको जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इस बीच यहां पर सवाल ये भी उठता है कि यहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहां पर कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते हैं। क्या लगता है कि यहां पर प्रशासन की गलती नजर आ रही है, या फिर जो सचिव हैं वो मिलीभगत करते हुए पैसों की बंदरबाट तो कर रहे हैं लेकिन विकास के नाम पर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है? मैडम जी, अभी तो मेरे को शासन प्रशासन की लोग ही गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं दिख रहा है ना इतनी बड़ी समस्या, जबकि हम आवेदन निवेदन में एक जगह नहीं हर जगह हमें लगाया हूँ, महोदय जी से भी रिक्वेस्ट किया हूँ, लेकिन आज तक कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दिया। कमल जी जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे साथ अब ग्राम पंचायत सचिव महेश यादव जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। महेश जी क्या कहेंगे? महेश जी आप सुन पा रहे हैं? तकनीकी खराबी के चलते महेश जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मामला जो है वो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के अंतर्गत आने वाले भलवारा ग्रामीण क्षेत्र का है। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। कमल जी, ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि 20 से 22 साल का समय बीत चुका है, आज तक यहां पर सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन यहां पर दूसरा मामला ये भी सामने आ रहा है कि जो जमीन है पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की है, जिसके चलते आज तक यहां पर सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, इस मामले में कितनी सच्चाई है? मैडम जी, क्योंकि इसमें पीडब्ल्यू विभाग भी है, वन विभाग भी है, हम चाहते हैं ग्रामीण जन की वो चाहे कोई भी विभाग हो, लेकिन हमारे उस रास्ते को काम मतलब उसको बनाना चाहिए, क्योंकि रोड आने जाने में विभाग को भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है कि विभाग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो दिख रहा है। किसी विभाग को तो देना चाहिए, काम को कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ बच्चों की मुश्किल से आना जाना हो रहा है, उनकी ड्रेस है गड़बड़ हो रहा है, टीचर कह रहा है साफ सफाई आओ, बच्चे कह रहे हैं हम कैसे आते हैं उधर से, अब कहीं नाला उसको वो साफ करने के लिए भी उनको जगह नहीं मिलता, रुकना टीचर है। कमल जी, ये जानना चाहूंगी कि कम से कम कितने छात्र ऐसे होते होंगे, कितनी संख्या में जो छात्र हैं रोज आना जाना करते हैं सड़क के बीच? मैडम जी, 100 से ऊपर हैं जी, 100 बच्चों से ऊपर है, मतलब क्या है कि 2-3 गांव से बच्चे आते हैं विद्यालय में उधर से, उसी रास्ते से जी। कमल जी, उम्मीद करते हैं कि जनमुद्दे के माध्यम से आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाए और आपको इस परेशानी, इस समस्या का समाधान मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी जरूरी है, वो भी ऐसे मौके पर जब बारिश का सीजन आ चुका है। पहले से ही प्रशासन सतर्क रह जाता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कहीं ना कहीं परेशानी ना हो, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरीके के मामले पर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिरकार यहां पर क्यों सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। वहीं हमारे साथ सुकल जिला अध्यक्ष कांग्रेस के वीरेंद्र बिहारी जुड़ गए हैं। बिहारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी धन्यवाद जी, नमस्कार। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे, लगातार यहां पर विकास के वादे तो किए जाते हैं, प्रशासन अपना काम भी कर रहा है, स्कूल का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन इस बीच जो सड़क है वो अब ऐसी हालत में हो गई है कि कीचड़ से गुजरकर छात्रों को जाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं भलवारा ग्रामीण क्षेत्र की, जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के अंतर्गत आता है। क्या कुछ कहेंगे मामले में? जी, ये जो हमारे यहाँ के जिले के जो छात्र छात्रा हैं उनको जो भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, ये केवल मध्य प्रदेश सरकार की जो असंवेदनशीलता है। जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार लगभग 18 साल से बैठी है, लेकिन उनका क्षेत्र के विकास को लेकर किसी भी तरह का कोई स्थान नहीं है। उन लोगों ने छात्र छात्राओं के हितों पर जितना नुकसान किया है, शायद मतलब कभी कहीं हुआ होगा, लेकिन इन लोगों के द्वारा लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। कोई भी बात जब शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाती है तो जिला प्रशासन किसी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं है जी। और बहुत ही कष्ट में हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं और नागरिक जो हैं वो बारिश के समय पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं जी। बिहारी जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप कांग्रेस के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस बीच जनता के बीच जाकर, ग्रामीण क्षेत्रों के बीच जाकर लोगों को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं आश्वासन के आधार पर बीजेपी के नेताओं से बात रखनी चाहिए, आवेदन देने चाहिए, क्योंकि एक नेता के तौर पर अगर आप उनका सहयोग करेंगे तो शायद उनको उनके समाधान मिल जाए और समस्या जो उनको मिल रही है वो भी उस समस्या से उनको निजात मिल सके।
भी जब भी जानकारियां आती हैं हम वहां तक पहुंचते हैं, या फिर आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से भी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी जो बातें आती हैं। और जब मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हम लोगों ने सारा फोकस अपने क्षेत्रों पर, आदिवासी क्षेत्रों पर, जहाँ पर छात्र छात्राओं हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने किया था। लेकिन जब से ये बैठी है भाजपा की सरकार, इन्होंने सारी योजनाओं को बंद कर दिया। जी बिहारी जी, दो मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ महेश यादव ग्राम पंचायत सचिव जुड़ चुके हैं, उनसे भी उनका जो पक्ष है वो जान लेते हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। महेश जी, क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत के सचिव हैं, बावजूद इसके यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, छात्रों को दलदल भरी सड़कों से गुजरना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, क्या कुछ कहेंगे मामले में? जी मैडम, यहाँ पे कच्ची रोड है और फॉरेस्ट की भी जमीन पड़ रहा है और पीडब्ल्यूडी का भी, इसकी वजह से हम पंचायत स्तर से वहाँ का काम नहीं करा पा रहे हैं। और हाई स्कूल है, हाई स्कूल में 8-8, 9-9 किलोमीटर से बच्चे आ रहे हैं, साइकिल से भी आते हैं, कुछ पैदल भी आ रहे हैं। और बरसात अक्सर कर बरसात में बहुत ज्यादा कीचड़ होने के कारण कई बार बच्चों से ये शिकायत मिली कि गिर गए, कहीं पुस्तक खराब हो गए, कहीं ड्रेस खराब हो गए, कहीं गिर गए, जब कीचड़ लग गया तो फिर उनको स्कूल से, वहां से फिर तुरंत घर वापस भागना पड़ रहा है। ऐसे मतलब 2-4 साल से ये समस्या को देखते हुए ये मान के चलो कि ग्राम पंचायत के लिए बहुत गंभीर ही समस्या है, और स्वीकृति कहीं से नहीं मिल पा रहा है, ना ये पीडब्ल्यूडी विभाग करवा पा रही है और ना फॉरेस्ट विभाग करवा रही है। महेश जी, वो तो ठीक है, लेकिन राजनेताओं का काम होता है, एक सरकार का काम होता है कि जनहित की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होना और साथ ही साथ उनकी समस्या का समाधान भी करना। अगर हम ही पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे और ये कहते हुए नजर आएंगे कि पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं कर रहा है, वन विभाग नहीं कर रहा है, लेकिन सर इस बीच जनता तो पिसती हुई नजर आ रही है, बीच का रास्ता, समन्वय की कमी के चलते यहाँ पर बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, आखिर क्यों इस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसके चलते कोई दूसरी रोड का उपयोग किया जाए, कोई दूसरी रोड बनाई जाए, या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग या फिर वन विभाग से बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। यादव जी, जी मैम, जी पक्ष जानना चाहूंगी आपका, क्या कुछ कहेंगे? महेश जी, जी मैम, जी सवाल का जवाब दीजिए, आपका पक्ष जानना चाहूंगी, कोई बीच का रास्ता तो निकालना चाहिए सर, क्योंकि समन्वय की कमी के चलते यहाँ पर तमाम बच्चे भी पिसते हुए नजर आ रहे हैं, शिक्षा का प्रभाव जो है वो भी यहाँ पर कम होता नजर आ रहा है। हालांकि अच्छी बात है कि बीजेपी सरकार लगातार यहाँ पर विकास के वादे के साथ साथ विद्यालय की उपलब्धता करवा रही है, सारे जब इतने अच्छे काम लगातार चल रहे हैं तो आखिरकार क्यों पंचायत सचिव की वजह से यहाँ पर बच्चों को इसका जो भुगतान है वो करना पड़ रहा है और इसी के चलते यहाँ पर लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। केवल फर्जी आंकड़े बताने वाली सरकार है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इस मामले को लेकर प्रयास करेंगे, सचिव जी के साथ बात करेंगे और हम लोग इसका समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा और सड़क जैसे मामले पर असुविधा नहीं होनी चाहिए। जी महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चूंकि आपको बता दें कि समस्या तो है लेकिन समाधान नहीं है, हमारे साथ बीरेंद्र बिहारी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं। बिहारी जी, क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पर तो साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं लोग कि आश्वासन के आधार पर कार्रवाई होगी, सड़क का निर्माण भी होगा, लेकिन 20 से 22 साल का समय बीत चुका है। ग्रामीण से जब हमारे इस बारे में बात हुई तो उन्होंने यही कहा, क्या कुछ कहेंगे, ग्रामीण कुछ और कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि कुछ और कह रहे हैं, लेकिन विकास नहीं हो रहा। देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 18 साल से भाजपा की सरकार है और वहाँ के कैबिनेट मंत्री भी भाजपा से रहे हैं, छपरा विधानसभा से, लेकिन किसी ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया और क्षेत्र जो था विकास की राह से पिछड़ता चले गया। सड़कें नहीं है, पुलिया नहीं है और भी छोटी छोटी अनेक समस्याएं जो थी वो पूरे क्षेत्र पर विराजमान है। जब कांग्रेस की सरकार थी, मात्र 1.5 साल पे माननीय कमलनाथ जी ने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कई योजना बनाई और उसकी राशियां भी दी, काम चालू हुआ था, लेकिन आपको सभी को जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार यहाँ से फिर उन्होंने हटा दी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज आपने जो समस्या की जो जानकारी आई है इसको लेकर कांग्रेस पूरी तन्मयता के साथ प्रयास करेगी और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के नागरिकों को जो सुविधाएं मिल सके, सड़क का निर्माण हो सके, इसको लेकर हम जिला प्रशासन से भी बात करेंगे। यदि किसी प्रकार की
कार्रवाई यदि होने में यदि वो लोग किसी तरह का अंदेशा जताएंगे तो निश्चित जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी करेंगे ग्रामवासियों के साथ मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया बिहारी जी तमाम आश्वासन देने के लिए, क्योंकि समस्या है तो समाधान होना भी जरूरी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर अगर और भी ज्यादा इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या जो है उसका सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर बच्चों को भी करना पड़ रहा है। चूंकि शिक्षा एक ऐसा नाम जिसके चलते यहाँ बच्चों का भविष्य तय किया जाता है, लेकिन भविष्य में दलदल भरी सड़कें भी मौजूद हैं जिसके चलते यहाँ पर अब बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को यहाँ से गुजरने के लिए कीचड़ वाली दलदल के बीच से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर वो कभी हादसे का शिकार हो जाते हैं, कभी उनकी पुस्तकें कीचड़ में चली जाती हैं, कभी उनका बैग भी कीचड़ में चला जाता है, जिसके चलते जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो शायद वो इतने प्रिपेयर नहीं होते हैं जिसके चलते वो अपनी शिक्षा को उपलब्ध करवा सके। लेकिन यहाँ पर मामला ये उठता है कि यहाँ पर आखिरकार क्यों जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग से लेकर वन विभाग से लेकर पीडब्ल्यूडी के जो भी कर्मचारी हैं इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। माना कि ये जो जमीन है वो पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की है, बावजूद इसके अगर समन्वय किया जाता है, समन्वय की कमी के चलते यहाँ पर ये मामले सामने आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग अगर मिलकर इस समस्या का समाधान निकाले तो कहीं ना कहीं परेशानी भी दूर हो सकती है। बावजूद इसके अगर ये दोनों भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं या बीच का कोई रास्ता नहीं निकालते हैं तो यहाँ पर फिर तीसरे नंबर पर आता है प्रशासन। अगर प्रशासन इस मामले में समन्वय के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों और वन विभाग के कर्मचारियों से बातचीत करेगा तो शायद इस समस्या का समाधान भी हो सकता है। आपको बता दें कि वैसे तो सरकार की ओर से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, स्कूल बनाया जाता है जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, और अधिकारियों की लापरवाही के चलते लेकिन ये सारे जो विकास के वादे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा विकास हो, शिक्षित हो हमारे छात्र, लेकिन कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने के बाद शिक्षा का स्तर जो है वो कहां तक पहुंचेगा इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि तमाम कांग्रेस और बीजेपी के अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे साथ आज के खास प्रोग्राम जनमुद्दे में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एमकेएन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।